तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीएससी ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों दोस्तों बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट जो है चंडीगढ़ में वैकेंसी, पुलिस में वैकेंसी आई है, उसको आपको बताने वाला हूँ कितनी वैकेंसी है, कितनी फीस जमा करनी है आपको। इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना भाई समझ के थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलो फिर बताता हूँ आपको कैसे है जो है आपको ऑनलाइन करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा। यहाँ पर दे रखा है चंडीगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट 2023, 700 वैकेंसी निकाली है दोस्तों, टोटल 700 वैकेंसी है। अभी आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर चंडीगढ़ रिक्वायरमेंट चंडीगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल मेल एंड फीमेल के लिए है, और वैकेंसी की बात करें तो 700 वैकेंसी है। लास्ट डेट जो रखी गई है इसकी 22 जून रखी गई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे आएगा, अगर जनरल ओबीसी है तो 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, अगर आप एससी ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको 800 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ईएसएम वालों को 0 बैलेंस है, और जो आपका जो है पेमेंट होएगा वो भी आपका ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी स्टार्टिंग की डेट बात करें तो यहाँ पर जो है इसके ऑनलाइन करने की तिथि आज से 1 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट इसकी जो रखी गई है 22 जून रखी गई है, और जुलाई में इसका जो है एग्जाम दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल की उम्र दे रखी है, और बाकी 5 साल की जो है एससी की छूट है, और ओबीसी की 3 साल की छूट दे रखी है इसमें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं 12वीं पास प्लस ड्राइवर लाइसेंस भी चाहिए, मेल प्लस 80 कंप्यूटर साइंस भी चाहिए, आपको जो है कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। राइट एग्जाम होएगा, फिजिकल होएगा, फिजिकल टेस्ट होएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन मेडिकल होएगा। अब थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे लिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। अगर आपको इसका जो है नोटिफिकेशन देखना है तो आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट नाम डालना है, जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नाम सेकंड नाम लास्ट नाम जो भी आपका नाम है यहाँ पर नाम डाल देंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, और आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको जो है मोबाइल नंबर का भी वेरीफाई करना है, और ईमेल आई का भी, दोनों का आपको ओटीपी जाना है, दोनों का आपको वेरीफाई कराना है ज़रूरी। उसके बाद आपको वेरीफाई कराने के बाद आपको जो है दोस्तों आपका जो है रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो पाएगा, क्योंकि दोनों को ओटीपी डालना आपका जरूरी है, ठीक है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ नाम डाल के। अब फ्रेंड आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है ईमेल का ओटीपी भी डाल दिया है और मोबाइल नंबर का भी ओटीपी डाल दिया है, यहाँ पे दोनों पे टिक लग गया है, राइट दिखा दिया है, तो मेरा सब कुछ ठीक है। अब आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपका जो है देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल आ चुका है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अब आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन आईडी भी आ चुकी है, अब आपको जो है प्रोसेस्ड पे क्लिक करना है, प्रोसेस्ड पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे जो है इसे पढ़ भी सकते हैं इंटरफेस इसका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़ के आपको नीचे आना है, नीचे आना है, और उसके बाद आपको प्रोसेस्ड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पे जो है अपना जो है मेल है या फीमेल है वो डाल देंगे, कॉन्स्टेबल का आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम डालना है अपने, मदर का नाम डालना है जो भी आपकी मदर का नाम है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, मैरिड है या अनमैरिड है वो आप देख लेंगे, नेशनलिटी चुन लेंगे इंडियन है, आपको जो है अपनी कास्ट चुननी है, जो भी आपकी कास्ट है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, या अगर आप जो है चंडीगढ़ से बाहर के हो, चंडीगढ़ से अलग स्टेट के हो, मतलब चंडीगढ़ से बाहर से भर रहे हो तो आप जनरल में काउंटिंग होगे। अगर आप जनरल में ही रहते हो, जो आप जनरल में ही अगर रहते हो तो ओबीसी एससी जो भी आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद एक्स सर्विस मैन है तो यस करेगा, अदर नो ही रहने देंगे, सभी नो रहेंगे, यू भी नो रहेगा, यू भी नो रहेगा, यू सर्विस से भी नो ही रखेगा। ईमेल आईडी आ जाएगी आपका, अगर मोबाइल नंबर आ जाएगा, अगर आपके पास दोस्तों अल्टरनेट नंबर है, कोई दूसरा नंबर है आपके पास तो आप डाल देंगे, बाकी ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसमें स्टार नहीं दिया रखा, जिसमें स्टार है वही आपका कंपलसरी। यहाँ पे एक आईडी चुनेंगे, जो भी आपकी आईडी है, आईडी चुनने के बाद दोस्तों आपको जो है आईडी नंबर डालना है, जैसे अपना आधार नंबर डालना है,
अब दोस्तों आप यहाँ पे आधार नंबर चुन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी आधार नंबर आ जाएगा। आपको आधार नंबर देना है अपना। उसके बाद आपको प्रोसेस नेक्स्ट एड्रेस डिटेल पे क्लिक कर रहा है। अब आपका जो है एड्रेस के लिए बोल देगा, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है जो भी आपका एड्रेस है दोस्तों। उसके बाद अपना जो है पिन कोड डाल देगा जो भी आपका पिन कोड है दोस्तों। अब यहाँ पे दोबारा से स्टेट चुनना है जो भी आपका स्टेट है। पिन कोड डाल देंगे दोस्तों फिर से। उसके बाद प्रोसीड विद क्वालिफाइड डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो है अपनी क्वालिफाई की डिटेल देनी है, क्वालिफिकेशन की। तो अभी थोड़ा लोड ले रहा है, अभी थोड़ा यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल डालूंगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पहले आपको जो है हाई स्कूल की डिटेल डालनी है, 10वीं मैट्रिक्स चुनना है। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे आपकी 10वीं आ जाएगी ऑलरेडी। उसके बाद आपको डेट ऑफ पास, मतलब आपने कब की हाई स्कूल, वो डाल देंगे। आपको बोर्ड का नाम डालना है कहाँ से आपने की है, और जो है यहाँ पे सी जी पी है, ग्रेड है वो आप डाल देंगे। परसेंटेज है, परसेंटेज मेरी 65 है। उसके बाद ये फर्स्ट रेगुलर है, प्राइवेट किया है वो आप डाल देंगे। उसके बाद आपको सेव है क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। आपका ये सेव हो जाएगा। अगर आपको इसमें गलती हो चुकी है तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दोबारा से जो है अपना ऐड करेंगे या आप इसे, अब दोस्तों आपको दोबारा से जो है अपनी इंटर की डिटेल डालनी है, 12वीं 10+2 चुनना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो है कब आपने 10+2 की है वो डाल देंगे, बोर्ड का नाम डाल देंगे, परसेंटेज जितनी है वो आप डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद रेगुलर है या प्राइवेट किया है वो आप डाल देंगे। उसके बाद आपको सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। आपकी सेव हो जाएगी, यहाँ पे 10वीं और 12वीं की आ चुकी है। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है 12वीं और 10वीं में मेरी कुछ दिक्कत हो चुकी है, गलत गिर चुका है कुछ, तो आप मॉडिफाई भी जाके कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद प्रोसीड विद कैंडिडेट अदर डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे पूछा है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अपनों जो है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है अपलोड ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे जो है अपना जो है लाइसेंस अपलोड करना है दोस्तों। जो इस फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस उठा लेंगे। उसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइसेंस नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको ये जो है लाइसेंस जो इसका पीडीएफ था, पीडीएफ बना के अब मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे साइड में जो है इसका पीडीएफ बन चुका है, मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको सर पूछ रहा है अगर आपके पास एनसीसी है तो आप इनमें से देख लेंगे, ABC जो है वो आप देख लेंगे। अगर आपके पास एनसीसी नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट एनसीसी सर्टिफिकेट पर रहने देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर नो करेंगे आप। उसके बाद आपको प्रोसीड विद डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब आपको ये अगले पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको जो दोस्तों आप बारी बारी से देख सकते हैं, आपको जो है फोटो जो है देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, अपनी क्वालिफिकेशन की जो है वो अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जो आधार कार्ड वगैरह जो भी आप देख सकते हैं। तो फटाफट मैं इन्हें जो है सबको अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो भी अपलोड कर दिया, साइन भी अपलोड कर दिया है, क्वालिफिकेशन की डिटेल भी मैंने अपलोड कर दिया है, आईडी प्रूफ भी अपलोड कर दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट भी कर दिया है, 10वीं की मार्कशीट भी कर दिया है। दोस्तों ये चारों चीज़ जो है आपको पीडीएफ में अपलोड करनी है, ठीक है दोस्तों। 500 KB से नीचे होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, पीडीएफ में अपलोड कर देना। उसके बाद आपको जैसे ये सब चीज़ अपलोड हो जाएगी, अब आपको क्या करना है, प्रोसेस क्लेम केस डिटेल पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाना है आपको अगले पेज पे। आप यहाँ पे पूछ रहा है आपके नाम कोई केस वेस है तो आप यस करेंगे, तो यहाँ पे केस नंबर लिखेंगे। अगर आपके पास कोई केस वेस नहीं है तो आप इसे नो ही करेंगे, यहाँ पे भी नो ही देंगे इसे। अगर आपके पास कोई क्राइम विराइम है तो आप इसे यस कर देंगे, और क्राइम वगैरह नहीं है तो आप इसे नो ही करेंगे। उसके बाद प्रोसेस विद एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ये आपको अगले पेज पर ले जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिव्यू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है।
दोस्तों अगर आपको लगता है कोई मेरे फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी है तो आप इस पर रिमूव योर ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पर जाकर आप बैक जाकर अपना फॉर्म ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है मेरा दोस्तों तो आपको प्रोसेस फॉर इस वाले पर क्लिक करना है, नीचे वाले पर यहाँ पर टिक करके उसके बाद ओके करना है। अब आपको जो है आई एग्री पर क्लिक करना है दोस्तों। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको पूछा है प्रोजेक्ट सबमिट फाइनल सबमिट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है, ओके करना है। आपका जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा फॉर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फीस आ चुकी है, आप 800 रुपये फीस आई है दोस्तों, यहाँ पे आप सब सब देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, प्रोसेस टू पे पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस एक और आ जाएगा। अब आपको प्रोसेस टू पे पर क्लिक करना है दोबारा से। अब आपको ये पेमेंट के ऑप्शन पर ले आया है। अब आप यहाँ पे पेमेंट आप बारी बारी से देख लीजिए कैसे कैसे करनी है, अपना डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, वॉलेट से, नेट बैंकिंग से, क्यूआर कोड से, यूपीआई से, जिससे चाहे आप उससे जो है पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करेगा, उसके बाद कार्ड नंबर डाल देगा आपका 16 नंबर का, उसके बाद एक्सपायरी डेट डाल देंगे, उसके बाद CVV नंबर जो ATM के बैक तरफ होता है, उसके बाद जो आपका बैंक में नाम है वो आप डाल देंगे। पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP डाल देना और पेमेंट आपकी हो जाएगी। अगर आपके पास डेबिट कार्ड वगैरह नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप फ़ोनपे गूगल पे चलाते हैं तो आपको QR कोड पर क्लिक करना है। QR कोड पर क्लिक करने के बाद मैक पेमेंट पर क्लिक करना है दोस्तों, सिंपल सा है। यहाँ पर फिर से प्रोसेस विद पेमेंट पर क्लिक करना है। आपकी जो है एक बार कोड आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से अपना जो है स्कैन करेंगे इसे और इसका जो है पेमेंट आप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल दिखा दी जाएगी, उसके बाद अपना जो है प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना सा प्रोसेस था दोस्तों। अगर कुछ भी पूछना हो इस वीडियो से रिगार्डिंग, कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो आप फॉर्म भरने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, मैं आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। ठीक है दोस्तों, कभी भी किसी भी टाइम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चंडीगढ़ का जो है, चंडीगढ़ पुलिस का आपको फॉर्म कैसे भरना है, चंडीगढ़ कॉन्स्टेबल का फॉर्म आपको कैसे भरना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि दोस्तों अगर आप सबका प्यार मिलेगा तो थोड़ा मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों कोशिश कीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।